विधानसभा की चूंटणी पूर्ण थई गई है और परिणाम पण आवी गया है। त्यारे बनासकांठा जिला में भाजप द्वारा चार बैठक पर जीत मेळवता लोगों में बनासकांठाना प्रतिनिधिओं ने मंत्रिमंडल में स्थान मळशे के केम ते अंगे चर्चा चाली रही थी, परंतु गुजरात सरकार मंत्रिमंडल में बनासकांठा जिला एक पण धारासभ्य ने स्थान आपवामां आव्युं न हतुं, जेथी जिल्लावासीओ में नाराजगी जोवा मळी रही थी। परंतु विधानसभा की चूंटणी दरमियान प्रचार वक्त बनासकांठा जिला में आवेला केन्द्रीय गृहमंत्री अमित भाई शाहे थराद बैठक पर शंकर भाई चौधरी ने जीताड़वा माटे अपील करी हती अने साथे साथे प्रजा ने वचन आप्यु हतुं के शंकर भाई ने तमे जीताड़ीने धारासभ्य बनाओ, मोटा बनावानुं काम आ पार्टी करी देशे। सांभळो अमित भाई शाहनुं थराद बैठक पर आपवामां आवेलुं निवेदन। तो दरेक विधानसभामां बधा मत आपे तो धारासभ्य चूंटे ने, जरा जोर थी बोलो ने, पण तमे शंकर भाई ने मत आपो, धारासभ्य तमे बनाओ, मोटा माणस बनावानुं काम आ पार्टी करी नाखे। આ નિવેદન 22 નવેમ્બરના કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહે થરાદમાં આપ્યું હતું અને આજે તેમણે બનાસકાંઠા જિલ્લાની જનતાને આપેલું વચન પૂરું કરી બતાવ્યું છે। બનાસકાંઠા જિલ્લાના લોકપ્રિય અને બાહુબલી નેતા શંકરભાઈ ચૌધરીને ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ ઘોષિત કરવામાં આવ્યા છે, જેથી જિલ્લાની જનતામાં આનંદની લાગણી છવાઈ ગઈ છે।